साथियों, आपने समुद्र बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी ये नहीं देखा होगा कि दोनों तरफ से लहरें आ रही हैं, एक इधर से एक इधर से। आप देखिए, ये यहाँ का बैन स्टैंड बोलते हैं इसको, और ये बहुत ही अजूबा जगह है। आप देखिए, एक इस तरफ से भी लहर आ रही है, एक इस तरफ से भी लहर आ रही है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, दो तरफ से लहर आ रही हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन, रेयर कॉम्बिनेशन है ये। और सेफ शॉप की वजह से यहाँ आने का मौका मिला हम लोगों को। आप देखिए, सेफ शॉप वो करवाएगी जो आपने सोचा नहीं होगा। बस आप विजन के साथ काम करते रहिए और कम से कम 10 या 20 साल का प्रण लीजिए इस बिजनेस में काम करने का। मेरे को 18 साल तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी और अगले 18 साल, 20 साल, 25 साल और इसमें जुटने का, मेहनत करने का पूरा मिशन आपके सामने ले रहा हूं साथियों, क्योंकि अभी हम जवान हैं। अभी हुआ क्या है, 39 साल की उम्र हुई है सिर्फ। 22 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सेफ शॉप के साथ चालू किया था, और अभी इतने सारे साल अपने पास पड़े हैं। धुआं उठा देंगे साथियों, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं एंड सेंड पर गया था। एंड सेंड मतलब दोनों तरफ रेयर कॉम्बिनेशन था, आपने देखा था, अभी मैंने बहुत सारा वीडियो डाला था, दिखाया था। तो नेटवर्क मार्केटिंग करिए, विजन के साथ करिए, किसी भी कंपनी में है लगातार लगे रहिए, करते रहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नॉट अबाउट प्रोडक्ट, नॉट अबाउट योर कंपनी, नॉट अबाउट योर बिजनेस प्लान ऑल्सो। नेटवर्क मार्केटिंग इज डिपेंड ऑन योर लीडरशिप स्किल एंड योर पेशेंस एंड योर वर्किंग स्टाइल एंड योर वर्किंग एथिक्स, एवरीथिंग। ओके, तो आप करते रहिए, बहुत ही बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करिए और इस तरीके से आनंद लीजिए। हैंड सेंड पर घूमिए, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स पर घूमिए, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करिए। दो सपनों की किताब भगवान ने उनको दी है, जिसमें से एक पन्ना खोल के दिया, वो है आपका वो देश जिसमें आप रहते हो, जैसे मेरे लिए इंडिया। ऐसे ही आप अगर पूरी 200 पन्ने खोलना चाहते हैं, तो यू हैव टू डू दिस बिजनेस। यू विल गेट टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम इन फ्यू ईयर्स, और आप काम करेंगे तो आप ये सब पा सकते हैं। रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ सी। आप देखिए, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है साथियों, दो तरफ समुद्र, एक इधर से ले रहे हैं, एक इधर से ले रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं सी एंड पर। सी एंड जहाँ पर ये जो हम लैंड पे चल रहे हैं, वो बिल्कुल एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, दोनों तरफ से वेव्स, एंड ऑफ लैंड, रेयर कॉम्बिनेशन, बोथ साइडेड रेयर कॉम्बिनेशन, बोथ साइडेड वेव आर कमिंग। आप देखिए, पीछे कोई भी जमीन नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सी एंड्स पे हम लोग बैठे हैं। और आप फ्रंट में इधर से देखिएगा मेरे पीछे, ये पूरा कमरा हमारा आयरलैंड है, आयरलैंड आपको दिख रहा है। आप आज हो सकता है प्लान दिखा रहे हो और कोई आपको मना कर रहा है कि यार मैं नहीं जुड़ूंगा आपके बिजनेस में, लेकिन उसकी ना को ना मत मान लो साथियों, क्योंकि हमने भी आज से पहले हजारों नाएं सुनी है, हजारों लोगों ने हमको डिनाई किया है, मना किया है, बहुत सारे लोग हमें कमियां निकाल के टीम छोड़ के गए हैं, बहुत सारे लोगों ने सेफ शॉप की बुराइयां करी हैं, बहुत सारे लोगों ने सेफ शॉप के प्रोडक्ट को गलत बताया है, बहुत सारे लोगों ने आज से पहले बहुत सारे नाटक करे हैं, लेकिन जो लोग जम गए हैं इस बिज़नेस में, वो लोग आज देखिए आपके सामने हैं और किस तरीके का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी लगे रहिए साथियों, मेहनत करिए,
फोकस के साथ काम करिए। ऐसे ऐसे दुनिया के बहुत सारे नज़ारे जो हैं वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग दम लगा के पूरे फोकस के साथ, विजन के साथ 10, 15, 20 सालों के लिए कम से कम इस काम को करने का डिसीजन लीजिए। हम लोग यहाँ पर जो एंजॉय कर रहे हैं वो आज का डिसीजन नहीं है हमारा, ये डिसीजन है 2003 का लिया हुआ, 2004 में जब कोई हमारे साथ जुड़ नहीं रहा था, जब हमको बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। जब मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, मैं 5 किलो आटा लेके आता था काली थैली, जिससे हम सुबह खा लें शाम को खा लें। और जब हमारी शादी हुई थी 2003 में फरवरी में, 10 फरवरी के दिन साथियों, उस टाइम हमारे जो ससुर साहब हैं उन्होंने मैक्सिमम 2 लाख रुपए खर्चा किए थे और मेरे पास तो खर्चा करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपये थे। टोटल शादी 2.5 लाख में हुई थी, लेकिन ये जो ट्रिप है ये टोटल ट्रिप जो है वो 5 लाख के आसपास की है साथियों। इसमें कुछ भी हमने कोताही नहीं बरती, इसमें कुछ भी हमने कंजूसी नहीं की, हमने खुल के आनंद लिया। जो जो चीज़ें हमको कितनी भी महंगी, यहाँ सब कुछ डॉलर में है। और साथियों एक प्राउड की बात और भी आपको बता रहा हूँ, मैम भी आपको बताएंगी कि हम लोग फर्स्ट इंडियन हैं इस पूरे के पूरे आइलैंड पे। यहाँ बता रहे हैं महीनों से पूरे कोविड में कोई भी एक इंडियन दोबारा यहाँ पर नहीं आया है अभी तक। फर्स्ट इंडियन पूरे कोविड पर इस आइलैंड को अफोर्ड करने के लिए इंडियंस ज़्यादा आ नहीं पाते हैं साथियों यहाँ पर, लेकिन हम लोगों ने सबसे महंगा आइलैंड यहाँ पर हमने चूज़ किया। और सारे के सारे यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं, सारे के सारे लोग हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं। एक भैया हमारा बॉम्बे का था, वो भी बोल रहा था कि सर इंडियंस को देखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, इंडियंस यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। लेकिन साथियों ये जो सेफ शॉप अल्टीमेट अचीवर का कॉम्बिनेशन है, ये जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की हमको शिक्षा है, उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आ पाए। हमारी टीम, हमारे अप्लाइन, हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट, हमारे डायरेक्टर और हमारी टीम के ज़बरदस्त लीडर्स की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हो पाई हैं। मैं किसी भी का नाम लेके मैं दूसरे को कम नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, टीम का एक एक आदमी जो कि हमारी टीम में है, जो कि हमारी टीम में कभी भी रहा है, जिसने हमारे लिए कभी डिसीजन लिया है, काम किया है, मेहनत करी है, वो सारे के सारे लोग यहाँ तक पहुँचाने में हमको वो भागी हैं एक्चुअली, उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया था। और ये कंपनी का सहयोग, चाहे हमारे अपलाइन मेंटर्स का सहयोग, चाहे मेरी टीम का सहयोग और चाहे भगवान का सहयोग, माँ बाप का सहयोग, ये सारे के सारे सहयोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं साथियों। इसमें अगर सबसे कम किसी ने किया है तो वो हम लोगों ने किया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया था, सेफ शॉप बिजनेस में जब मैं आया था, तो आने के बाद एक चीज़ बोली जाती थी वहाँ पर, बोला जाता था कि आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, आपको मनी फ्रीडम मिलेगी, आप कार खरीद पाएंगे, मनचाही कार खरीद पाएंगे, आप बंगला बना पाएंगे, आप दुनिया में आपके खाते सारे के सारे खाते जो होंगे फुल होंगे, आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद पाएंगे, आप बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, बच्चों को विदेश यात्रा कर पाएंगे, आप विदेश यात्रा पर जा पाएंगे, आप देश विदेश घूम पाएंगे, आपकी पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनेगी, आपको लोग विदेशों से सुनेंगे, आपको लोग विदेशों में जानेंगे। साथियों एक भी चीज़, कोई सिंगल चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कि पूरी ना हुई हो, मैं बता रहा हूँ आपको 18 सालों के अंदर। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें भगवान ने हमारे साथ पूरी करवा रखी हैं। मैं एक ही बात आप सबको बोलना चाहता हूँ, आप इस बिज़नेस में लगे रहिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर किसी भी कंपनी में हैं आप उसी कंपनी में अपना पूरा तन मन लगाइए, क्योंकि हमारे बिजनेस में तन लगाने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो आप पूरा तन मन लगाइए, मेहनत करिए, फोकस के साथ काम करिए और लगे रहिए, बस किसी की बातों में मत आइए। यार लोग जो बोलते हैं, लोग पहले बोलते हैं फिर आप पे हंसते हैं, फिर बाद में वही लोग बोलते हैं कि यार हमको तो पता था आप कुछ कर जाओगे। तो आप लोगों की चिंता मत करिए, लोग वो रिश्तेदार हो सकते हैं, मिलने वाले हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, आपके
आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, ये सब मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दो यार। लोग बोलते हैं यार आपने शर्मा जी सीए बनना छोड़ दिया और आप क्या ये साबुन पेस्ट बेचने लगे। यार मैं साबुन पेस्ट बेच रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में जमीर तो नहीं बेच रहा तुमसे तुम। बहुत लोग टेबल के नीचे से पैसे लेके गलत काम करके लोगों के साथ उल्टा सीधा करके जमीर बेच रहे हैं। यार हम तो कल खाली साबुन और सोप बेच रहे हैं, सोप बेच रहे हैं, पेस्ट बेच रहे हैं और घर के सामान बेच रहे हैं। कम से कम इज्जत वाला काम कर रहे हैं, इसमें कौन सा बेइज्जती का काम है। लोग तो जमीर बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए, गाड़ी बंगला बनाने के लिए, दुनिया में ऐसो आराम पाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो साथियों जमीर बेचने से अच्छा है कि हम लोग साबुन बेच रहे हैं। साबुन बेचने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। और मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि साबुन बेचना अगर गलत काम होता तो छोटे चीज़ें बेचना अगर गलत काम होता तो टाटा स्टील बनाते थे, टाटा स्टील बनाता था, टाटा क्या है और बड़े बड़े काम करता था। टाटा जो है बड़े काम करता है, लेकिन आजकल टाटा नमक भी बेचता है। रिलायंस जो है पेट्रोलियम में उनका कंपनियां हैं, उनकी विमल से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज रिलायंस प्रेस में वो भी भिंडी बेच रहे हैं साथियों, वो भी छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं। तो हमको बेचने में शर्म नहीं होनी चाहिए। तो मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहता हूँ, आप लगे रहिए, मेहनत करिए, दम लगाइए, फोकस के साथ काम करते रहिए, विजन के साथ काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स। ये सारे के सारे रेयर कॉम्बिनेशन आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये स्टैंड लेके आया हूँ मैं, स्टूल, क्योंकि जगह जगह वो कैमरा रखना पड़ता है ना, इसलिए मैं इसको लेके घूम रहा हूँ सारी जगह। देख लो क्या क्या करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।